मित्रों, गरुण पुराण व अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक स्त्री पहले चित्रिणी होती है, जबकि विवाह के बाद हस्तिनी बन जाती हैं। मित्रों, यह सब कैसे और कब होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु बने रहें वीडियो के लास्ट तक। मित्रों, वैसे तो स्त्रियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे पुंसचली, मोहिनी, सधवा, विधवा, हस्तिनी, मोहिनी आदि नारी के कई प्रकार होते हैं। फिर भी आज हम यहाँ चित्रिणी स्त्री से हस्तिनी स्त्री के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया बताएंगे। वैसे तो यह क्रिया स्वतः होती है, जिसे बड़ी ही बारीकी से देखा और समझा जा सकता है। मित्रों, हम सभी के घरों में ईश्वर की विशेष अनुकंपा से बेटियां जन्म लेती हैं, जो सभी लाड़ प्यार से फलती फूलती हैं और युवावस्था तक पहुंचती हैं। मित्रों, जैसे कोई स्त्री युवावस्था के करीब पहुंचती, तो उसमें चित्रिणी स्त्री के गुण विद्यमान होने लगते हैं। अर्थात चित्रिणी स्त्रियों के समान लंबी गर्दन, पतली कमर, काले तीखे नैन, जिसे अपने जीवन के बारे में कल्पना में ही खोए रहना अच्छा लगता है। अगर इस प्रकार की महिलाओं की बात की जाए, तो इस तरह की महिलाओं का अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही स्नेह रहता है। हालांकि ये ज्यादा मेहनत वाला या कठिन कार्य नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी बुद्धिमान और विदुषी होती हैं, अर्थात पढ़ने लिखने में तेज होती हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं और गाना बजाना तथा चित्रकला इनको विशेष तौर पर अच्छे लगते हैं। मित्रों, जिसमें भी ये गुण होते हैं, वह चित्रिणी प्रकार की स्त्री कहलाती हैं। मित्रों, अब यही चित्रिणी जब युवावस्था में आ जाती हैं, तो ये हस्तिनी महिला में बदल जाती हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि महिलाओं में विवाह के पश्चात क्या कुछ परिवर्तन होता है, आप सब भली भांति जानते हैं। विवाह के पश्चात हस्तिनी महिलाओं में स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की महिलाओं की बात करें, तो वैसे तो ये आमतौर पर हंसमुख होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। इस तरह की महिलाओं को जीवन साथी के तौर पर सुंदर पति की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं है। धार्मिक कार्यों में भी इनका मन कम ही लगता है। ये खाने की बहुत शौकीन होती हैं। मित्रों, अब तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते ही स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका।